नमस्कार। एक तरफ बप्पा का विसर्जन का समय और दूसरी तरफ एक दर्दनाक घटना। हम बात कर रहे हैं मुंबई से सटे पनवेल इलाके में, जहां पर बप्पा के विसर्जन के लिए पीसीएमसी ने यानी पनवेल सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो तालाब मुहैया कराया था, उस तालाब में सजावट के दौरान जो इस्तेमाल की जा रही थी लाइटें, उसका एक तार गिर गया था, जिसके बाद जी हाँ एक बड़ी दुर्घटना घटी और एक 9 महीने की बच्ची के साथ 11 लोग बुरी तरह से करंट लगने से झुलसे और सभी का फिलहाल जो है इलाज किया जा रहा है। बता दें यहाँ पर तनिष्का, जिसकी उम्र सिर्फ 9 महीने थी, जो निहाल छोंकर 5 साल, सर्वेश पनवेलकर 15 साल, दिलीप पनवेलकर 65 वर्ष, दीपाली 24 वर्ष, उलवाले जो सभी परिवार के लोग गए थे विसर्जन के समय, उन्हें करंट लगा और वो फिलहाल जो है अस्पताल में भर्ती है। कई लोगों की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस है, जिन्हें लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और उम्मीद की जा रही है बप्पा से कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बप्पा कभी भी किसी को नाराज नहीं करते।